प्यारा बैग लग रहा है। लास्ट टाइम कोई सा भी लो बैग आप 300 रुपये, बहुत अच्छे बैग हैं इनके। लास्ट यहाँ पे बैग अच्छे मिलते हैं, प्यारा है, पर्पल कलर है और बीच में आप ऐसे उठाना चाहो तो ऐसे उठा सकते हो। ये अच्छा लग रहा है, इसमें कलर मिलेगा आपको, वाइट कलर मिल जाएगा, खूबसूरत लग रहा है। तो बहुत ही प्यारा है, इसमें कलर्स भी है, इसमें पिंक कलर है, बाकी आपको ये वाले कलर भी आप कोई सा भी लो गाइस, मुझे तो बहुत सही लग रहा है। प्राइस भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी प्राइस ही कितना स्टाइलिश है। ये भी 100 रुपीज़ का है आपका, काफ़ी अच्छा लग रहा है वाला पीस 100। गाइस ये हील देखो कितनी प्यारी लग रही है, 4000 की जोड़ी है, नहीं लग रही है भैया। तो गाइस ये देखो हील, देखो आप हील, और ये भैया बता रहे हैं बिल्कुल आपको पहनने में पता नहीं लगेगी। ये आपका सारा इनका इंपॉर्टेंट माल है, बहुत बढ़िया हील वगैरह है। तो ये भी इसका प्राइस के अंदर है, हील काफ़ी अच्छी, ओनली शेड है ये ब्लैक शेड है। ये हील तो भाई देखने में हमें दूर से देखे, ओहो हो, एक ये देखो वाइट कलर। इतनी गर्मी हो रही है, सफोकेशन, इतनी मार्केट भरी हुई है ना, इसलिए यहाँ पे ना सफोकेशन ज़्यादा हो जाती है। ये 100 रुपीज़ की कुर्ती है, ये जॉर्जेट का मटेरियल है, 100 रुपये ओनली, 100 रुपीज़ में 100 रुपये की कुर्ती है। देखो पीछे इसका दुपट्टा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये जितने भी नीचे ये इसका दुपट्टा आ जाएगा, स्कर्ट है आपकी, और ये आपका टॉप आ जाएगा ऊपर का। ठीक है गाइस, बहुत अच्छी अच्छी शर्ट्स है, कलर देखो कितने सारे कलर हैं, देखो कलर बहुत सारे, काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स लग रहे हैं। भैया छोटे बड़े साइज सारे हैं, सारे साइज मिल जाएंगे। यहाँ पे आना कैसे है और कौन से गेट पे उतरना है, एग्जिट कहाँ पे करनी है आपने, कौन सा पास पड़ेगा आपको, कौन सा दूर पड़ेगा, और टाइमिंग क्या है मार्केट की, तो चलो बात करते हैं सबसे पहले मेट्रो की। वेलकम बैक, कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज आज हम आए हैं फ्राइडे को, फ्राइडे मार्केट में, और वो है पटेल नगर की मार्केट। तो अभी हम उतरे हैं शादीपुर स्टेशन पर, हम लोग इसको ये जो मार्केट लाती है वो पटेल नगर की फ्राइडे मार्केट लाती है, मतलब कि जो पटरी बाज़ार होता है वो लगता है। तो जब पहली बार हम लोग आए थे तो हम लोग पटेल नगर उतरे थे और वहाँ से हम रिक्शा की थी, पर जब गए थे तो हम लोग शादीपुर स्टेशन से गए थे। तो मैं आपको बता दूँ ये पटेल नगर और शादीपुर स्टेशन के मतलब कि रास्ते में बीच में ही पड़ती है मार्केट। तो अगर आप आओ तो शादीपुर उतर जाना, और थोड़ा सा चलना पड़ा हमें, वहाँ से रिक्शा नहीं मिली, पटेल नगर से रिक्शा मिल गई थी, यहाँ से हम थोड़ा सा पैदल चले, और लास्ट में सारी डिटेल दूंगी कितने बजे लगती है कैसे लगती है। तो वीडियो में बने रहना और पूरी वीडियो देखो तभी आपको पता लगेगा। ठीक है चलो मार्केट में आ गए, दिखाना शुरू करते हैं। आज हमारे शादीपुर की तरफ से तो ये मार्केट है, और जब लास्ट टाइम आया था मैं पटेल नगर की तरफ से स्टार्ट किया था, और ये शादीपुर की तरफ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज। तो पूरी मार्केट लगी हुई है, चारों तरफ मार्केट है अपने, इस साइड पर भी, इस साइड पे भी, और इस साइड पे भी, तो तीनों तरफ मतलब कि कह सकते हैं आप, पूरा मैं बीच में चौराहे पे खड़ी हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। कैसे दिए? 150 रुपये। तो गाइस 150 रुपये की रेंज में आपको इस तरह की बैग मिल जाए, कोई सा भी बैग भैया, 150 का कोई सा बैग। ये देखो इस तरह के बैग 150 का, कोई सा भी, अभी अच्छे साइज़ हैं, बड़े साइज़ में हैं ये सारे रखे हुए। अभी हमने यहाँ से स्टार्टिंग करी, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्योंकि चारों तरफ मार्केट नज़र आ रही है मेरे को। और ये भी भैया 150 है। गाइस ये देखो कितना प्यारा बैग लग रहा है वाला, ये वाला बैग काफ़ी अच्छा लग रहा है, पन्नियों में लगे हुए, शायद आपको दिखा पा रही हूँ, बहुत अच्छे लग रहा है वाला बैग। 150 रुपये, 450 का ये पेंट, ये कौन से बेस्ट को ये कहते हैं, 3-पीस सेट है ये, कोट भी है इसका। तो कहिए 3-पीस सेट है, 450 का है। अच्छा ये रहा, ये कोट आएगा, ये बेस कोट हो गया अंदर, और ये शर्ट हो गई, ठीक है, और ये पैंट हो गई। तो 450 रुपये का प्राइस है बच्चों का, और ये इसके इतने सारे डिज़ाइन देखो, कलर देखो कितने सारे लगे हुए, ये सब 450 रुपये के, अलग अलग रेट है। ग्रीन वाले बड़ा साइज 550 रुपये का है। तो इस तरह के अगर आपको पार्टी वेयर चाहिए तो वो मिल जाएंगे। और ये बनियाने 100 रुपये की, दो तो 100 रुपये की दो है आपकी जेंट्स बनियाने, ये मतलब 50 रुपये की एक पड़ गई। और ये अंडरवियर, ये भी 100 की दो है। तो गाइस कॉटन मटेरियल है, 100 की दो पीस, ठीक है बढ़िया है, 100 रुपीज़ की सेल लगी। वाओ ये कितने की, 100 रुपीज़ की है बच्चों के लिए धोती कुर्ता। गाइस कितना प्यारा लग रहा है, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ है ये, क्या बात है, 100 रुपीज़ ओनली, और सारे ना वाइट कलर के अंदर, ये मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कि स्टार्टिंग में जो दिखना ना चाहता बच्चों को दिख रहा है। ये फ्रॉक कैसे थी? 50 रुपीज़। तो ये मटीरियल, वाओ कॉटन मटीरियल है गाइस, 50 रुपीज़ में, कितनी प्यारी लग रहा है। कलर भी बहुत सारे, फ्रोजी कलर भी है इसमें, रेड कलर भी है, ये देखो छोटे से छोटी फ्रॉक कितनी प्यारी लग रही है, 50 रुपीज़। और इसी में ना ये भी 50, तो ये भी 50 रुपीज़ का है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बट इसका थोड़ा कॉटन हल्का है, बट है कॉटन, हॉजरी कॉटन है, अच्छा कॉटन है। जाएंगी आपकी 100 रुपीज़ की, अच्छा मटेरियल है, कॉटन मटेरियल है, 100 रुपीज़, कॉटन बहुत अच्छा है, मिक्स हुए हुए हैं, 100 रुपीज़।
छोटे बड़े साइज सब मिक्स हुए हैं यहाँ पे। हमने भी स्टार्टिंग करी है तो बच्चों के और इस तरह की जैन टी शर्ट्स वगैरह अंडर गारमेंट्स, ये देखो जेंट्स अंडर गारमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। भैया ये किसका क्या प्राइस है? 50 रुपये का, 50 रुपीज़ का। वही आगे भी वही प्राइस है और यहाँ भी वही प्राइस है और कॉटन मटेरियल है आपका 150 रुपये की एक पीस। ये आपकी 150 रुपये की एक पीस है, कोई सा भी आप पीस लो। फ्रॉक ले रहे हो, फ्रॉक ले लो, शॉर्ट निकर शॉर्ट ले रहे हो वो ले लो। वाओ येलो कलर में कितना प्यारा क्यूट सा है, 150 रुपये। ये 150 रुपये की दो है, तो बच्चों की टी शर्ट है गाइस, 150 ये 200 रुपये की दो है, मतलब 100 रुपये की एक पड़ी। हाँ अच्छा, ये 150 की दो है छोटे साइज में, बच्चों के कलर्स वगैरह बहुत सारे हैं इसके अंदर। और वो वाली 200 रुपये की दो है, इसमें साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखिए मैंने बहुत अच्छी लग रही है मेरे को, 350 की, 350 रुपये की। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छी लग रही है, 350 रुपये की है इसका। ऐसा मतलब किसको कहते हैं दीदी, लेदर लेदर वाला, अभी ओरिजिनल है कि नहीं, बाकी 350 रुपये की। वॉच लगी हुई है सारी यहाँ पे, ये देखो इसके कलर्स वगैरह भी है, इसमें वाइट है, ब्राउन है, ब्लैक है, ब्लू है। ब्लू का मतलब कि वो हो जाएगा डिज़ाइन चेंज। ये भी अच्छी लग रही है, काफ़ी सारी वॉचेस लगी हुई हैं, सबकी अलग अलग रेंज है। कितने का है ये सूट का सेट? 350 रुपये कॉटन है पूरा, तो गाइस ये कॉटन का पूरा सेट है 350 रुपये में। क्या बात है, साइज सारे मिलेंगे और बहुत प्यार लग रहा है, मटेरियल बहुत अच्छा है, मतलब कॉटन का मटेरियल है, वेरी नाइस। ये देखो भैया दिखा रहे हैं, ये एक्सल साइज़ हो गया भैया, हाँ ये काफ़ी बड़ा साइज़ हो गया, ये 350 रुपये, मतलब छोटा बड़ा कोई से भी लो तो गाइस कोई से भी साइज़ लो 350 रुपये। काफ़ी अच्छी ड्रेस लग रही है, कॉटन मटेरियल है, आप गर्मी के मतलब का फैब्रिक है, देखो कॉटन का मटेरियल है, बहुत अच्छा मटेरियल है। तो 350 की रेंज होने वाली है यहाँ पे, सोनिका लाइफ 40+, सोनिका लाइफ 40+। एक ये देखो गाइस, ये कितना प्यारा लग रहा है, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, इसकी पजामी देखो बहुत ही प्यारा पीस है। हाँ हाँ, फ्रॉक सूट हो गया ना ये वाला, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये भी 350 रुपये, और इसकी पजामा बॉटम आ जाएगी, काफ़ी अच्छा सूट है। लाओ मैं सर्च कर दूँ भैया, 350 नायरा सूट है, फ्रॉक सूट है। मार्केट काफ़ी बड़ी है, यहाँ पे लोकेशन समझाना ना इजी नहीं है, बहुत 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 बड़ी मार्केट है, मैं बहुत बड़ी है, मतलब समझ लो इतनी बड़ी मार्केट है कि पूरा पटेल नगर से बीच का जितना एक स्टेशन से पटेल नगर स्टेशन से और शादीपुर का जितना स्टेशन है उस बीच में पूरी बहुत लंबी मार्केट है। और मतलब हर गली हर जो चौराया जा रहा ना वहाँ पे तीनों में मतलब कि हर जगह मार्केट लगे, तो लोकेशन मैं नहीं समझा पाऊँगी आपको। हाँ जो होगा पॉसिबल कोई मेन पॉइंट नज़र आएगा, जैसे कोई रेस्टोरेंट या कोई ढाबा वगैरह, तो मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ से मैं आपको बता रही हूँ, बाकी एंड में आपको कितने पे जाना है लोकेशन वगैरह एक बार और अच्छे से बता दूंगी मैं। तो चलो गाइस थोड़ा और देखते हैं, तरह के बैग आप कोई सा भी लो बैग, तो गाइस इस तरह के बैग आप लेते हो तो 100 रुपीज़ के मिलेंगे, काफ़ी बड़े बैग है भैया, काफ़ी बड़े बैग साइज़ बहुत बड़े बड़े, 100 रुपीज़ ओनली, थैंक यू। के मिल रहे हैं गाइस ये वाले 50-50 रुपये की चुनियाँ मिल रही है, ये वाली तो आप कोई सा भी कलर लो 50 रुपीज़, काफ़ी सारे कलर्स है तो मतलब सही है। एक चुन्नी को ऐसे डालना होता है और जैसे जिसको फैला के लेनी है तो उसके लिए दिक्कत है। दीदी 50 रुपये की गई, यहाँ पे भी आपको 50 रुपीज़ में मिल रही है चुन्नियाँ, देखो पर कॉटन नहीं है, मटेरियल जो है वो कॉटन नहीं होगा, डिफरेंट ही होगा। अब बताओ अच्छा दिया 120 है, तो गाइस ये वाले मग देखो, कप देखो सॉरी, 120 के 6 पीस है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसमें एक कलर और आएगा आपका वाइट एंड पर्पल कलर, ट्रिपल सेड है, ट्रिपल शेड आएगा ये आपका, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। 120 की, ये भी 120 के 6 है ना, 120 के 6 है, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। छोटे बड़े और इस टाइप के जो लेते हैं ये भी सब ऊपर वाले 120 के हैं, ये भी 120 रुपये के हैं। ये देखो कौन से वाले है, ट्रिपल शेड है ना, देखो कुछ अगर इस टाइप की चाहिए, वाओ ये भी अच्छे लग रहे हैं आपके 120 के 6 पीस, ये भी खूबसूरत लग रहे हैं 120 के 6 पीस। तो ये जो लगे हुए सारे 120 के 6 पीस है, वो ब्लैक कलर में, वाओ मुझे तो बहुत पसंद है ब्लैक कलर, 120 के 6 पीस। मैं वापसी में आएंगे तो ही लेंगे। अच्छा ये 4 ही पड़े हुए पीस, तो गाइस ये 4 ही पीस है, ख़त्म हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, प्रिंटेड है। और कब आते हो भैया देखते हैं, ये कैसे दिए 100 के 2 है, वाओ गाइस ये कितना ब्यूटीफुल है, 100 रुपये के 2 है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो बहुत ही प्यारा। इसमें कलर्स भी है, इसमें पिंक कलर है, बाकी आपको ये वाले कलर मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और ये वाले भैया
ओके, तो ग्लास कप ग्लास का कॉम्बिनेशन मतलब कि बहुत अच्छा है यहाँ पे, प्राइस भी ठीक है। नहीं तो बता रही है, नहीं तो 100 रुपये के तो उन्होंने बोला, सब 100 के दो हैं ये वाले, ये आप कोई सा भी लो गाइस, मुझे तो बहुत सही लग रहा है, प्राइस भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी 100 रुपये के दो है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब ठीक है रेट बहुत अच्छा है। वगैरह 100 रुपीज़ के हैं, कॉटन मटेरियल है वो, 100 रुपीज़ के, और ये छोटे बड़े साइज़ है, सारे साइज़ मिक्स है, और कुछ स्पैगेटी वगैरह भी डाल रखे हैं इसके अंदर, 100 रुपीज़ की, 100 रुपीज़, 100 रुपये का इस कॉटन है वाला मटेरियल, कॉटन तो गाइज़ ये कितना स्टाइलिश है, ये भी 100 रुपीज़ का है आपका, काफ़ी अच्छा लग रहा है वाला पीस, 500 रुपीज़ गाइज। ये हील देखो कितनी प्यारी लग रही है, 4000 की जोड़ी है, नहीं लग रही है भैया। तो गाइज ये हील देखो क्या हील है, इसके अंदर कलर आपको पिंक कलर भी है और पार्टी वेयर है, ये ओनली 500 रुपीज़ की आपको यहाँ पे पेयर मिल रहा है, काफ़ी खूबसूरत है, इसमें पिंक कलर ब्लैक कलर है और 5 प्रॉपर्टीज़ है बिल्कुल उसके बाहर भैया लगाते हैं। इनके पास हील का कलेक्शन अच्छा है, बट ये अभी फ़ोटो लेना नॉट, हाँ पर आप दिखाने दे रहे ना, हम दिखा रहे तो कस्टमर आके ले, मतलब कि कुछ लोग होते हैं ले जाते हैं, ये कोई सी 500 है। तो गाइज ये देखो हील, देखो आप हील, और ये भैया बता रहे हैं बिल्कुल आपको पहनने में पता लगेगी, ये आपका सारा इनका इंपॉर्टेंट माल है, बहुत बढ़िया हील वगैरह है, तो ये भी इसका प्राइस 500, कोई सा भी चीज़ सैंडल लो 500 रुपीज़ है, मैं सिल्वर कलर के अंदर है, हील काफ़ी अच्छी, ओनली 500 रुपीज़ है, काफ़ी अच्छी लग रही है गाइस हील्स वगैरह। और मैंने आपको बताया था ना ग्रीन के अंदर आपका ये पिंक शेड है, ये ब्लैक शेड है, ये हील तो भाई देखने में हमें दूर से ही देखे, ओहो हो, एक ये देखो वाइट कलर हील कलेक्शन बहुत अच्छा है, ये भी 500 रुपीज़ है, तो कोई सा भी पीस लो आप 500 है, बाकी मैं आपको और ब्लू कलर में, ये भी 500 रुपीज़ है, काफ़ी अच्छी हील लग रही है इसकी, ये दिखा दी ना सिल्वर में ना, सिल्वर और ब्लू कलर जैसे ये जो नीला कलर होता है वो आ जाएगा, और कुछ इस टाइप के अगर कोई पहनता है, ये भी 500 रुपीज़ है गाइज, और इतनी गर्मी हो रही है, सफोकेशन इतनी मार्केट भरी हुई है ना, इसलिए यहाँ पे ना सफोकेशन ज़्यादा हो जाती है, 500 ओनली, बहुत अच्छी अच्छी हील्स हैं, ये देखो ये वाला क्या प्राइस है, ये 300 रुपये है गाइज इसका, ये 300 रुपीज़ की है, इस टाइप के आप सैंडल्स देते हो, फ्लॉटर्स कहते क्या कहते हैं इसको, 300 रुपीज़ है, काफ़ी मटेरियल जो बहुत सॉफ्ट है, देखो ये जो पीछे का ना ये भी स्पंज कर रहा, मतलब कि एक स्पंज की तरह हो रहा है, काफ़ी बहुत अच्छी अच्छी सैंडल्स का कलेक्शन है भैया के पास, ये 250 रुपये की है, अगर इस लगे कि फ्लैट स्लीपर लेते हो तो 250 रुपये की मिलेगी आपको, लेते हो तो वो भैया इसका क्या प्राइस है, 300 रुपये। तो अगर किसी को पसंद आ रहा हो कलेक्शन और किसको लेना है, तो ये लक्की प्रॉपर्टीज़ है बिल्कुल उसके सामने लगाते हैं, बराबर में इनके जो है प्रवीण कार एसोसिएट एक्सेसरीज वाले की शॉप है, तो आप यहाँ बिल्कुल बाहर लगाते हैं फ्राइडे को भैया, काफ़ी सारा अच्छा कलेक्शन है इनके पास, थैंक यू भैया। अच्छा 60 रुपीज़ का, 60 रुपये का ये वाला जोड़ा है गाइस, इसके पीछे प्राइस लिखे हुए 60 रुपीज़, ओहो ये कुछ इस तरह के लोगे, ये भी 60 रुपीज़ का है आपका, तो ये आपके लड्डू गोपाल के कपड़े हैं सारे, ये देखो ये भी 60-60 रुपये के, ये मतलब जो प्राइस लिखे हैं 60-60 रुपये लिखे हुए, और ये छोटा वाला जो है ये 30 रुपये का है, 30 रुपीज़ ओनली, टी शर्ट 250 रुपये की, काफ़ी अच्छा साइज़ है, 100 रुपये 100 रुपीज़ की है, कॉटन की चुन्नी आई है आपकी, और ये वाली शिफॉन की है, ये वाली ये भी 100 रुपये, आज गर्मी से बचने का मौका भाई 200 में। हाँ सोनिया की बहन मैं वही कह रही हूँ, हाँ देखा नहीं, मैंने देख लिया था, मैंने कहा लग तो रही है, बोल रही क्यों नहीं आ रही वो, अच्छा कोई नहीं, बोल दो शेयर कर देंगे, शेयर करवा नहीं करता किसी को, यहाँ पे मिल रही है कुर्तीज की ओनली 200 रुपये में, कॉटन की कुर्तियाँ मिल रही हैं, कलर बहुत सारे हैं, ये देखो गाइस बहुत ही अच्छी कुर्ती है 200 रुपीज़ में कॉटन की, काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स लग रहे हैं, कलर का ये देखिए गाइस, ये भी 200 रुपये में, भैया छोटे बड़े साइज सारे हैं, सारे साइज मिल जाएंगे गाइस, कॉटन मटेरियल है, बहुत अच्छा मटेरियल है, 200 रुपीज़ ओनली, तो ये रही भैया की शॉप, 200 रुपीज़ का आपको खाली कुर्तियाँ मिलेंगी, 200 रुपीज़, 450 रुपये की जीन्स है, जेंट्स ये जेंट्स जीन्स है भैया ये जी, हाँ ना अच्छा 200 रुपीज़ की पड़ेंगी सर चप्पलें, वाटर प्रूफ बता रहे हैं भैया, अच्छा ये वाली ये 250-250 रुपये की सेल है गाइस, बहुत अच्छी चप्पलें हैं, 250 ओनली, ये भी अच्छी लग रही है, देखो
अरे दीदी अंकल बेचारे 200 की है सारी टी शर्ट है, कॉटन है। अंकल पहचाना क्या हुआ, दुकान ऐसी लगा रखी आपने? हाँ जी हाँ जी, जरा पूरी में लगाते ना। हाँ जी हाँ जी, ये लो अंकल जी, थे अंकल कोई बात। 200 रुपए की गई जी वाली रबड़ की चप्पल होती है ना, रबड़ कहते कहते रबड़ी है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है, देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही है। 200 रुपीज़ ओनली। इस टाइम ना आज ना मेरे को मार्केट में चप्पल और ये सैंडल्स वगैरह का बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है ना, ये 200 रुपीज की, ये भी अच्छा यार, क्या फसा है। 300 रुपीज का गाइस, यहाँ पे लास्ट टाइम आपको मैंने पर्स दिखाए थे, 300 रुपए के बैग है ये वाले, काफी अच्छे लग रहे हैं। 300 रुपीज, वाओ कितना प्यारा बैग लग रहा है। लास्ट टाइम 300 रुपीज में कोई सा भी लो बैग आप, 300 रुपए, बहुत अच्छे बैग है इनके। लास्ट यहाँ पे बैग अच्छे मिलते हैं, ये लगे हुए सारे 300 रुपीज प्राइस के हैं, 300 रुपए, 650 रुपए के वाले। तो गाइस जो लगे हुए 650 के हैं, 650 रुपए की रेंज है। तो भाई ये 100 रुपए का है और इसमें आपकी तीन चेनें दे रखी है, पीछे एक दे रखी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कलर भी बहुत प्यारा है, पर्पल कलर है, और बीच में आप ऐसे उठाना चाहो तो ऐसे उठा सकते हो, ये अच्छा लग रहा है। इसमें कलर मिलेगा आपको, वाइट कलर मिल जाएगा, और तीन चेन है ये रही, और एक इधर है, काफ़ी अच्छा बैग लग रहा है। 650 रुपये का ये शायद हमने देखा था, ये वाला 650 रुपये का है, पर इसमें एक ही चेन आएगी। तो गाइज़ ये काफ़ी अच्छा लग रहा है बैग, बहुत प्यारा लग रहा है बैग। तो गाइज़ ये फैब्रिक है, अच्छा विद दुपट्टा फैब्रिक है, तो विद दुपट्टा फैब्रिक है, 300 रुपये से इसका दुपट्टा आ जाएगा, 300 रुपये का पीस है ये वाला। इसमें कलर्स मटेरियल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका दुपट्टा देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये दो कलर्स वगैरह बहुत सारे लगे हैं। 300 रुपये मटेरियल जो है वो कॉटन है, थोड़ा चेंज है बाकी है। आ जाओ यहाँ पे लिखी हुई 500 रुपीस। तो गाइज कोई सी भी कुर्ती, अच्छा ये पूरा सेट 500 रुपीस में, इतना अच्छा लग रहा है गाइज, 500 रुपीस। तो चलो उसके बाहर लगा रखा है ये, 500 रुपीस में आप कोई सा भी पीस ले सकते हो। इसके अंदर बॉटम भी दे रखी है 500 रुपये में, है अच्छा लग रहा है ना। 100 पूरा सेट है, मतलब कि विदाउट दुपट्टा है, 500 रुपये में। कलर देखो, कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं, कॉटन मटेरियल है, अच्छा लग रहा है। ये देखो ये कॉट सेट है आपका 500 में। प्राइस सारा यहाँ पे है, ये इनकी बाहर ही लगा हुआ है, तो ये 500 रुपये का आपको पड़ जाएगा। दुपट्टा लगा हुआ है इसके अंदर, ये भी 500 रुपये का, काफ़ी अच्छे पीस हैं यहाँ पे। 500 रुपीस, 300 रुपीस, 300 रुपए की गाइस, कितनी प्यारी लग रही है। कलर चाहिए था मुझे, ये मिल नहीं रहा तो ले, ये कलर मिल नहीं रहा। ये 300 रुपीस है, ले ले, काफी अच्छी लग रही है। कॉटन है ये दुपट्टे, 200 रुपीस का है। करोल बाग में आप भी तो लगाते हो ना, 200 रुपए की ड्रेस, कोई सा भी अलग अलग है सबके प्राइस। अच्छा 150 का मिक्स है, मतलब कि 100-200 रुपए के आपके वो दुपट्टे चाहिए प्रिंटेड में, ऐसे फैंसी में इस तरह के मिल जाएंगे आपको। अलग अलग रेंज है गाइस, देखो रेड कलर में, देखो ये कितना चंदेड़ी चंदेड़ी वर्क, चंदेड़ी कपड़ा कहते हैं क्या कहते हैं इसको, तो ये इस तरीके का कितना प्यारा लग रहा है ये। तो अलग, तो ये मटेरियल हो गया फैब्रिक सारा आपका, 450 रुपये का सूट है गाइस, ये आपका कुर्ता हो जाएगा, और ये दुपट्टा हो जाएगा, ये इसकी पजामी हो जाएगी। ये देखो कुर्ता 450 रुपये, ये कलर आ गया इसका, और डिज़ाइन ही देख लो, 450 रुपये सलवार और ये चुन्नी। तो मटीरियल है खाली, सिला सिला सिलवाना पड़ेगा आपको, 450 रुपये, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये देखो कितने सारे कलर्स हैं, काफ़ी सारे कलर्स हैं। अच्छा ये फैंसी वाले कितने के भैया? 800। अच्छा अलग अलग 500 से स्टार्टिंग है रेंज, 500 रुपये। अच्छा अच्छा लहंगे भी होते हैं, और लहंगे का क्या प्राइस है वाला? 1250 का, वो येलो और वो जो रेड कलर के अंदर है वो 1250 का, पार्टी वेयर। अच्छा ये भैया ना यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस मोट कचौड़ी वेस्ट पटेल नगर, बिल्कुल उसके बराबर में भैया का टेबल लगा हुआ है वो बेटा। गाउन देखो 550 रुपये में, ये देखो पीछे इसका दुपट्टा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये जितने भी ये नीचे पड़े ग्रे कलर, ग्रे कलर 550 रुपये में, ये इसका दुपट्टा आ जाएगा। कलर बहुत सारे हैं, इस ये स्कर्ट है आपकी, और ये आपका टॉप आ जाएगा ऊपर का, तो ये भी 550 रुपये, ये सारे लगे हुए पीस ये रहे 550। कहाँ चले गए गया भैया? कोई बात नहीं, तो ये नीचे वाले 550 के, ऊपर वाले रेंज चला गए, भैया भी चले गए, कोई बात नहीं, आ जाओ। मैग्नेट है, अच्छा काफ्तान में है, तो लग रहा है कॉटन का है मटेरियल,
350 रुपये का। पीछे इसका कलर है ये वाला, ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, काफ्तान के अंदर सेट बना हुआ है, 350 रुपये, काफ़ी अच्छा लग रहा है कॉटन में। 250 रुपये, 250 की है, और प्लेन में भी भैया 250, तो प्लेन में भी 250 के गाइस। बहुत अच्छी अच्छी शर्ट्स है, कलर देखो कितने सारे कलर है, देखो कलर बहुत सारे हैं, चेक प्रिंट के, चेक टी के कलर बहुत सारे हैं, छोटे बड़े साइज सब मिल जाएंगे ना भैया, सब मिल जाएंगे 250। 100 रुपीज़ की कुर्ती है, ये जॉर्जेट का मटेरियल है, 100 रुपये ओनली। ये देखो कॉटन की 100 रुपीज़ में, 100 रुपये की कुर्ती है, काफ़ी अच्छे को इस तरह की चाहिए, 100 रुपये। बहुत सफोकेशन हो रही है, हालत खराब। पिलो कवर है नहीं, डबल वाइड है, सिंगल ही है, डबल वाइड की 300 की बेडशीट है गाइस ये वाली, पर भी पिलो नहीं है इनके साथ, विदाउट पिलो। वो देखो कलर देखो, डबल वाइड की 300 रुपीज़, 300 रुपये, काफ़ी अच्छी लग रही है, पर बिना पिलो कवर के है। आगे 200 रुपये प्रिंट ये वाली कैसी दी है, 200 रुपीज़। ये भी अच्छी कुर्तियाँ गाइस, बहुत अच्छी लग रही हैं। ये भैया ने ना एक बाइक पे लगा रखी है अपनी, तो फ्रंट ईयर के सामने भैया ने बाइक लगा रखी है, यहाँ पे 200-200 रुपये कुर्ती की सेल लगा रखी है भैया ने। ये देखो ये दी कुर्तियाँ, और ये पूरे सेट है, ये कितने के हैं, कॉट सेट है ये पूरे, 400 रुपीज़ के हैं, 400 रुपये का है कॉट सेट। ये रहे एक, ये देखो ये रहे 400 रुपये। गाइस यहाँ से मतलब कि शादीपुर से घूमते घूमते सीधा पटेल नगर वाले जहाँ से स्टार्टिंग की थी बहुत पहले, मतलब पहले जब वीडियो बनाई थी कि वहीं आ गए सारी। यहाँ पे बीच बीच में ना फ्रूट मार्केट भी है, फ्रूट मार्केट है, सब्जी मार्केट है, तो अब हम बाहर निकल रहे हैं यहाँ से मार्केट से। तो गाइस क्या होता है ना, घबराहट वहाँ शुरू हो जाती है जब ज़्यादा क्राउड होता है, और ज़्यादा क्राउड होता है तो सफोकेशन, जाहिर सी बात है इतना क्राउड है, ऐसे मतलब ना हर, तो गाइस ऐसे लगता है चारों तरफ ही मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है ये, आपकी पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ गए हो और कहाँ से निकल रहे हो। और यहाँ पे लोकेशन बताना है आसान नहीं होता है, इतनी बहुत बड़ी मार्केट होती है, बस पॉइंट बता सकते हैं कि वो उस शॉप के बिल्कुल बाहर लगाते हैं, तो जो शॉप के बाहर लगाए हुए थे वो मैंने आपको बता दिया है। और मार्केट तो ख़त्म होने का नाम ले रही, अब जा रहे हम सीधे मेट्रो की तरफ। तो गाइस अब अभी आ गए मार्केट से, सीधे रिक्शा मिल गई थी, लकीली हमें रिक्शा मिल गई थी, इतनी भीड़ के अंदर इतना जाम हो रहा था, शाम का टाइम है जाम ज़्यादा हो जाता है, 10-10 रुपये हमने सवारी लिए। तो चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आना कैसे है, और कौन से गेट पे उतरना है, एग्ज़िट कहाँ पे करनी है आपने, कौन सा पास पड़ेगा आपको, कौन सा दूर पड़ेगा, और टाइमिंग क्या है मार्केट की। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले मेट्रो की। तो मेट्रो के इस पे दो स्टेशन आपको पड़ेंगे, एक है पटेल नगर और एक है शादीपुर। तो गाइज शादीपुर जो है और जो पटेल नगर है, पटेल नगर अगर आप जैसे उत्तम नगर की साइड से आते हो, दो आगे तक से आते हो, तो पहले पड़ेगा शादीपुर, और अगर आप दूसरी साइड से आ रहे हो मतलब कि राजीव चौक से आ रहे हो तो पड़ेगा पटेल नगर। पटेल नगर ना, मैं तो ये कहूँगी कि पटेल नगर ना उतर के आप शादीपुर उतरिए, शादीपुर से आप थोड़ा सा पैदल चलेंगे, ये रहा मेरे पीछे गेट नंबर 2, गेट नंबर 2 से आप जैसे निकलेंगे आगे चलेंगे, एक जूडियो का शोरूम है, शोरूम से थोड़ा आगे चलेंगे तो आपके लेफ्ट कट आएगा, लेफ्ट कट से आप थोड़ा आगे हो जाना और चलते जाना, मार्केट शुरू हो जाएगी, मतलब इतना ईजी है यहाँ पर। और ये तो था आने का, और टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ, शाम को 6 बजे से लेके 11 बजे तक ये मार्केट लगती है, और ये मार्केट लगती है हर शुक्रवार को, हर मतलब कि फ्राइडे को लगती है ये मार्केट, और काफ़ी टाइम से लग रही है गाइस, बहुत बड़ी मार्केट है, अभी तक हम दोनों इससे बड़ी मार्केट में नहीं गए, काफ़ी बड़ी है, मतलब कहते हैं एक मार्केट होती है मतलब कि जो मार्केट लगती है वो लगती है लंबी लंबी, मतलब कि आगे पीछे मतलब थोड़ा, इसके हर चौराहे पर तीनों जो लाइनें जाती है ना वो सारी में मार्केट ही मार्केट है। तो ये था मैंने आपको बता दिया, 6 से 11 बजे का टाइमिंग है, हर फ्राइडे ये मार्केट लगती है, और शादीपुर गेट नंबर 2 मेट्रो स्टेशन आपको उतरना है। तो आज मैंने आपको थोड़ी डिटेल दे दी है, और बाकी गाइस बताना ब्लॉग कैसा लगा, पर मैं आपको एक सलाह दूंगी कि बहुत गर्मी है, मेरी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रहती है, काफ़ी सारा क्राउड भी होता है मार्केट के अंदर, सफोकेशन ज़्यादा होती है, तो प्लीज़ बच्चों को तो बिल्कुल ना लाए, आपको ज़्यादा नीड है तो ही आप आए मार्केट में, और क्योंकि क्राउड ज़्यादा है तो घबराहट हो जाएगी, और जो ज़्यादा ज़रूरी है तो ही आए मार्केट में, बाकी जब अच्छा मौसम हो तब आप शॉपिंग कर सकते हैं, बाकी हम आपको दिखाई रहे हैं मार्केट का क्या हाल चल रहा है और क्या क्या वैरायटी मिल रही है। तो चलो गाइस इस ब्लॉग को यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिएगा अपना।